आयोजन को करने में जो आज भी वहां कठिनाई होती है, इस कठिनाई का सामना हमारे सिख बंधुओं को वहां पर नहीं होती, या भारतीय हमारे भारतवासियों को गुरु नानक देव जी के प्रति जो श्रद्धा है, जो आस्था है, उसके प्रति जो लगातार व्यवधान पैदा किए जाते हैं सरकार पाकिस्तान सरकार के द्वारा, ये सब कठिनाई वहां पर झेलने को नहीं मिलती। एक और गुरु नानक देव जी के द्वारा जिन्होंने बाबर के हमलों को भी जमकर के विरोध किया, वहीं समाज को मिलकर के एकजुट होकर के ईश्वर की आराधना के प्रति नाम जपने के लिए उन्होंने निरंतर प्रेरित भी किया। सन्मार्ग पर ले चलने की गुरु नानक देव जी की प्रेरणा का परिणाम है कि आगे चल करके फिर यही परंपरा आगे बढ़ी और फिर वह भक्ति से आगे बढ़ करके शक्ति के तेज पुंज के रूप में गुरु तेग बहादुर जी महाराज, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज और गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों के त्याग और बलिदान के उस महान गाथा के साथ हम सब हर भारतवासी पूरी कृतज्ञता के भाव के साथ जुड़ा हुआ है। हमें याद रखना होगा जब आज से 5 वर्ष पूर्व हम लोगों ने गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के कार्यक्रम को किया था, तो मुख्यमंत्री आवास इसके लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है कि कीर्तन महाकीर्तन यात्रा का कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास पे भी हम लोगों को करने का अवसर प्राप्त हुआ। और गत 4 बार से हम इस बात को देखते हैं कि लगातार 2020 से लेकर के 21, 22, 23 हम लोगों ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार चार साहबजादों की स्मृति को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का जो कार्यक्रम आगे बढ़ाया, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने 26 दिसंबर की तिथि को पूरे देश के अंदर वीर बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की घोषणा की है और इससे उन साहबजादों के साथ साथ आज की युवा पीढ़ी को भी देश और धर्म के लिए एक नई प्रेरणा प्राप्त हो रही है। इन महान परंपराओं का जो योगदान है देश और समाज के लिए, कृतज्ञ समाज को और कृतज्ञ राष्ट्र को कभी भी उसको विस्मृत नहीं करना चाहिए, बल्कि उससे एक नई प्रेरणा प्राप्त करनी चाहिए। और सजग समाज, अपनी विरासत से प्रेरणा प्राप्त करने वाला समाज कभी भी परावलंबी नहीं हो सकता, गुलाम नहीं हो सकता। अपने आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करने वाला समाज अपने स्वयं की गुलामी को आमंत्रित करता है और यह हम सबको हमेशा याद रखना होगा। मैं आज जब गुरु नानक देव जी के इस पावन प्रकाश पर्व पर हम सब एकत्र हुए हैं, आप सभी को प्रदेशवासियों को मैं इसकी बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि गुरु नानक देव जी के उन उच्च आदर्शों से हम प्रेरणा प्राप्त करके अपने देश के लिए धर्म के लिए निरंतर कार्य करते रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरे प्रदेश को, पूरे देश को कहाँ है।